देवास जिला चिकित्सालय में बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति देखने को मिली। अस्पताल की ओपीडी में बारिश के पानी से मरीज काफी परेशान हुए। सिविल सर्जन एनपी शर्मा के अनुसार ड्रेनेज लाइन चौक होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वही जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा, नगर निगम इंजीनियर जितेंद्र सिसोदिया भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था की जानकारी ली गई। हाँ, निश्चित रूप से हैवी रेन होने की वजह से सभी जगह का पानी, चूंकि जिला चिकित्सालय के ऊपर रहने वाले रहवासियों ने अपने अपने मकान ऊपर ऊंचे कर लिए गए हैं, जिससे कि उसका बहाव पानी का जो कॉलोनियों का है और दूसरी जगह का पानी है वो अस्पताल की तरफ आता है। जो पीछे हमारा नया अस्पताल बन रहा है 100 बेड का, जिसमें कार्य अभी चल रहा है, जिसकी वजह से भी उसके जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो उसमें ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी आ रहा था। तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए और सिसोदिया जी, उनकी पूरी टीम, हमारे अस्पताल की पूरी टीम, JCV के साथ में जा करके चैनल करके उस पानी को निकाला गया है।